अग्निपथ योजना का लाभ उठाने के लिए पुंछ में युवाओं के साथ युवतियां भी पंजीकरण करवा रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत पुंछ जिले में तैनात भारतीय सेना की दुर्गा बटालियन द्वारा अग्निपथ योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं के साथ सीमावर्ती गांव की युवतियां भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। अग्निपथ योजना के तहत पुंछ मुख्यालय के सीमावर्ती गांव कुसलिया में सेना की दुर्गा बटालियन द्वारा पुंछ के सीमावर्ती एवं दूरदराज गांव के युवाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुंछ के सीमावर्ती गांव खड़ी कड़मारा देखवार कुसलिया गुलपुर अजोट के अलावा नियंत्रण रेखा के नज़दीक दर्जनों गांव के अलावा पुंछ कस्बे के 555 से अधिक युवाओं और 70 से अधिक युवतियों ने सोमवार तक अग्निपथ योजना के तहत देश सेवा करने के उद्देश्य से ऑनलाइन पंजीकरण कराया। हम 12वीं के लेने वाली बच्चे हैं और बहुत सारी बच्चे हैं जो घर में ऐसे बेरोजगार बैठी हैं, कोई रोजगार नहीं, पढ़ी लिखी है, तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन आर्मी का, जिन्होंने ये फॉर्म एग्रीमेंट के लगे हैं और हम आर्मी में जा सकते हैं। इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया और प्रधानमंत्री का जिन्होंने ये स्कीम चलाई, उनका बहुत शुक्रिया अदा। हमें ये देश की सेवा करने का मौका मिला है और हम पीछे नहीं होते देश की सेवा। मेरा नाम रफाकत अली है, मैं शाहपुर से आया हूँ। हमारा जो है मकान है बॉर्डर 00 डिग्री पे आता है, हम बॉर्डर के नज़दीक ही रहते हैं, तो वहाँ बहुत हैवी शेलिंग होती है। जबलपुर पता ये है कि अग्निवीर जो है शेड्यूल निकाला इसने, सरकार ने, इसलिए हम सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ये अच्छा है, इसलिए कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, मैक्सिमम बंदे सुसाइड कर रहे थे, देख रहे थे कि नौकरी नहीं मिल रही, तो पढ़े लिखे बहुत थे, हमारे गाँव के नॉर्मल बीएड पीएचडी करके मैक्सिमम लोग बैठे हैं, तो एक लाख से ज़्यादा तो हमारे बीएड वाले बैठे, हम खुद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसीलिए ये अच्छा है कि अग्निवीर में सबको मौका मिलेगा, हम देश के लिए बने और देश के लिए ख़त्म हो जाएंगे, तो इसीलिए हम भी तैयार हैं, हमने फॉर्म लगाया। अग्निवीर की अच्छी है क्योंकि मैक्सिमम बंदों को जॉब मिल जाएगी, जॉब की प्रॉब्लम है, तो ये बेरोजगारी ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स का ज़्यादा है, चलो ये होगा कि लोगों को जॉब मिल जाएगी, उसकी वजह से कोई ज़्यादा नशा भी कम हो जाएगा, तो एंगेज हो जाएंगे लोग, रोजगार का खाता भी चल जाएगा।